आज हम बात करने वाले हैं फ़ोन के बारे में। अपने फ़ोन की स्पीड कैसे बरकरार रखें और ऐसा क्या करें ताकि हमारा फ़ोन कभी हैंग ना हो। तो चलो देखते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपका ये मेरे फ़ोन पे दिया है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, आपके फ़ोन में इंटरनल मेमोरी भी दिया हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे देखना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे मेरे में टोटल स्पेस है मेमोरी का, मेरा इंटरनल स्टोरेज का 16 GB, तो हमारा खाली है सिर्फ 2.8। तो आपका अगर 16 GB है तो मिनिमम वैसे भी हमारा फिर 10 GB या तो 11 GB ही खाली रहता है, और बाकी तो जब हमारा फ़ोन का वायरस उसमें अपडेट होता है तो उतना भर जाता है। और हमारे पास जो 16 GB, अगर हमारे पास अगर 16 GB इंटरनल है, 16 GB में मतलब 5 GB 6 GB पहले से भरा है, 10 या 11 GB बचता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 GB ही यूज कर सकते हैं। और उसमें हमेशा 4 GB तो अवेलेबल रहना ही चाहिए। अगर 16 GB के इंटरनल है ना तो आपके फ़ोन में 4 से 3 GB हमेशा इंटरनल मेमोरी खाली रहना चाहिए। अगर आपको अपनी फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और स्पीड अच्छी चाहिए तो ये सबसे पहला काम और ये सबसे ज़रूरी है आपकी फ़ोन की स्पीड हमेशा अच्छी रखने के लिए। आपको फ़ोन की मेमोरी, अपनी इंटरनल मेमोरी बहुत ही ज़्यादा भरनी नहीं है। और जो भी आप अगर एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो, तो उसको भी आप ज़्यादा बड़ी मेमोरी मत लगाएं। आपके फ़ोन में कितनी रैम है उसके हिसाब से, 2-3 GB का फ़ोन है तो 16 GB या 32 GB उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी बहुत होती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी हमेशा फ़ोन की मेमोरी खाली रखें। और हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, आपको कैसे अलर्ट रहना है। वैसे तो सभी फ़ोनों में यहाँ नोटिफिकेशन में अलर्टिंग दे देता है, अलर्ट देता है, अलर्ट कर देता है आपको, लेकिन फिर भी आपको एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अभी गूगल्स ने ऐप से एक डाला है, अपने प्ले स्टोर पर भी है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर फाइल्स लिखा हुआ है, ये गूगल्स कंपनी की क्लीनर है, इस पर आप क्लिक करोगे, ये देखिए खुल गया, टाइम लग रहा है थोड़ा, ये देखिए इसमें टोटल हमारा मेमोरी कैसा है, कितना भरा है, कितना खाली है, और कितना वीडियो हमको क्या है, कौन सा डिलीट करना है। अगर आपको डिलीट करना है, ये हमारे फ़ोन का जो जंक फाइल है, जो किसी काम का नहीं है, बेकार पेज है, वो सब ये है, इसको हमको डिलीट कर देना है। और ये मोबाइल में जो मेमेस उसका मतलब कोई भी चीज़ होता है उसका ऊपर पिक्चर लगा रहता है, जो हम चलाते हैं नेट पे या कुछ गेम वेम खेलते हैं, तो ये इसका थम्स है, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपको जो भी नहीं पसंद आप यहाँ से सबसे आसान तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। और कहीं कभी कभी क्या होता है ना, आपकी अगर मेमोरी इंटरनल मेमोरी ज़्यादा भर गई तो फिर डिलीट नहीं होता। उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ से गूगल्स फाइल्स में आकर, अगर इसको आप नहीं है आपके फ़ोन में तो आप प्ले स्टोर में जाके गूगल्स फाइल या तो सिर्फ फाइल्स लिख के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको ये सारी, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप सब कुछ अपना मोबाइल में खाली कर सकते हैं। आपकी मेमोरी में जो भी ज़्यादा मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी कभी शो नहीं करता, कोई फ़ोटो होता है, कोई पिक्चर होता है, वो हमारे गैलरी में शो नहीं करता, तो वो भी यहाँ दिखेगा, यहाँ से आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो थैंक्स। वैसे तो ये सभी जानते ही हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको यकीन नहीं करते, या कुछ लोग मानते नहीं हैं, सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोन में क्या है, मेमोरी दिया है तो भरने के लिए ही दिया होगा, हम चाहे जितना भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ़ोन में प्रोसेस के लिए कुछ मेमोरी खाली रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखो ताकि तुम्हारा फ़ोन हमेशा एकदम मस्त चलता रहे, स्पीड उसकी अच्छी रहे, हैंग ना हो। अगर फ़ोन स्लो हो जाता है हमारे मोबाइल में ज़्यादा, आप अगर आपका मोबाइल कम रैम का है तो आप एक चीज़ और ध्यान रखें, ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, पहले ही WhatsApp, Facebook, Messenger ऐसे ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होते हैं तो उसकी मेमोरी वैसे ही लो हो जाती है। और आप फालतू मतलब कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो, कभी कुछ देखते हो आपको पसंद आता है, ये वो रोज करते रहते हो, तो ऐसा ना करें। अपने जो भी आपको कोई पर्सनल ऐप्स है, WhatsApp है, Facebook है, ये इंस्टॉल कर लें। मेन चीज़ जो आपको मतलब टाइम पास के लिए लगता है वो चीज़ करें, बाकी ऐप्स फ़ोन पे ना इंस्टॉल करें, ताकि आपका फ़ोन हमेशा चलता रहे और जल्दी ख़राब ना हो और हैंग भी ना हो।